है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। पिछले कुछ समय से लगातार जावर के ग्रामीण समस्या झेल रहे, गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जावर बस स्टैंड मुख्य मार्ग के पास जावर गांव में आने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस मौन आंदोलन में सरपंच, जनपद सदस्य एवं ग्रामीण सहित आसपास गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के लिए जिम्मेदार राखड़ से भरे ओवरलोड खुले डंपर और भारी वाहन है, जो टोल टैक्स और डीजल बचाने के चक्कर में जावर गांव में से होते हुए शॉर्टकट आमलपुरा और हरसूद निकल रहे हैं। आपको बता दें कि इन वाहनों के कारण 24 घंटे धूल उड़ती रहती है और दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। इन राखड़ के ओवरलोड डंपरों ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया। कई बार ग्रामीणों ने जन सुनवाई में जाकर अपनी गुहार भी लगाई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। परेशान होकर आज ग्रामीणों ने मौन चक्का जाम प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। ग्रामीणों ने सुबह 11 बजे से सड़क पर जाम किया। चक्का जाम की खबर लगते ही थाना प्रभारी श्री जेपी वर्मा, पटवारी श्री अंकित मालवी एवं पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे एवं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाइश दी। अधिकारियों के समझाइश के बाद, ज्ञापन देने के बाद ग्रामीण और अन्य ने चक्का जाम समाप्त किया। सब क्या किया आज हुआ यहाँ पे? ये आज हमारा ग्राम जावर में मौन ज्ञापन था श्रीमान थाना प्रभारी प्रशासन के नाम से। कहानी ये थी कि ग्राम में अवैध रूप से डंपर जो चल रहे हैं, जबकि वो खुले में ले जाने लायक नहीं है, वो किक्सुल के माध्यम से जाना चाहिए। उनसे गांव में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। जैसे हमारे गांव की नालियां तोड़ दी है और पाइपलाइन तोड़ दी है, जिससे गांव में नल जल व्यवस्था ठप हो गई है। और रास्ते में जो रास्ता उन्होंने बनाया है, वो रास्ता भी उन्होंने तोड़ ताड़ दिया है। और साथ ही साथ ग्राम वाले बहुत परेशान हो गए उनकी डस्ट के कारण। डस्ट से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक दिन अभी आए दिन रोज टायर फूटना, किसी दिन डंपर पलट जाना, ऐसी समस्या से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए और किसी दिन भी जनहानि का आशंका बनी रहती है और लोगों में भय बना रहता है। कल एक टायर फूटा, उसमें से बड़े बड़े पत्थर उड़े, किसी को लग जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, उसकी जवाबदार कौन रहेगा? ये हमने आज श्रीमान थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत की, जो उन्होंने क्षति करी है पाइपलाइन की और उसकी नालियों की और स्ट्रीट लाइट की, तो वो हम उनसे भरपाई चाहते हैं। वो जल्द से जल्द भरपाई करें।